हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को सर्किल शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब पे। ये रहा इंसर्ट टैब, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है। ये रहा वर्ड आर्ट का ऑप्शन, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ से कोई भी वर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी वर्ड आर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप जो भी टेक्स्ट आप चाहते हैं सर्किल में कन्वर्ट करना, वो यहाँ टाइप कर दीजिए। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अ सर्किल शेप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा। और इसके बाद आपको एक नया टैब मिलेगा वर्ड आर्ट का, ठीक है। ये टैब आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पे इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हमें जाना है चेंज शेप में, ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से ये देखिए सर्किल वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो ये छोटा सा आपको यहाँ पर ये एरो दिखाई पड़ेगा। जब इस पर अपना कर्सर ले जाएंगे तो ऐसा एरो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए या खींच दीजिए नीचे की तरफ। ये देखिए जैसे जैसे हम इसको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, सर्किल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ भी रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये देखिए सर्किल में ये जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट होगा।